stroke at the time, always aim. ऐसे use your front arm, use your body के time, ताकि ऐसे डालोगे क्या? जाएगा नहीं. जोर से कब जाएगा? ईगल जगह ऐसा. ईगल. ये पोजीशन चाहिए. दे कैच. वो देख जोर से जा रहा है. और भी जोर से डाल सकता. थ्रो के टाइम पॉज लेके थ्रो, क्योंकि थ्रो जितना एक्टिवेट होगा, जितना पेट में होगा, उतना रनआउट मिलेगा. इधर गया, इधर आने तक रनआउट चले जाएगा. इम्पॉर्टेंट है. अभी तो मैं देख रहा था, आराम से थ्रो कर रहा. अभी फास्ट जैसे मैच में दे मार. एक ये होना बहुत जरूरी है. ये जो मेरा फॉलो कर रहा है स्टंप को, स्टंप के लाइन को, ये हाथ मेरा फॉलो कर रहा है स्टंप के लाइन को, तभी है आएगा आएगा. पोजीशन बराबर रहेगा, फ्रंट आर्म का बराबर रहेगा, थ्रो बराबर रहेगा, बराबर जाएगा. 30 yard में जो ये थ्रो रहता ना, एग्जैक्टली अक्रॉस है. हम लोग बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ बेसअप करके थ्रो. ये एंड दैट्स व्हाई यू रिक्वायर्ड लॉट ऑफ पावर इन कोर, लॉट ऑफ पावर इन योर इनर थैंड थाइस. गॉट इट? आधा बराबर बॉल पे आके, क्योंकि 2020 यू डोंट हैव टाइम. वन डे क्रिकेट यू डोंट हैव टाइम. टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो यू हैव टू टर्न फट करके, एक रन आउट मैच विल टर्न. फॉर दैट यू रिक्वायर लॉट ऑफ पावर एंड बॉल सेंस. कितने बॉल उड़े? एक बॉल उड़ा, वो भी हाथ में आया. क्यों? क्योंकि मैं बॉल के ऊपर जाता था. ईगरनेस, ईगरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे बॉल रुकाना है. मुझे बॉल रुका के खाली देना नहीं है, मुझे रुका के रन आउट लेना है. वो ईगरनेस चाहिए. फील्डिंग कैसा होता है, जो भी आप एंजॉय करोगे और अच्छा फील्डिंग करोगे. इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग, आप बोलोगे अरे यार मेरे पास मत आने दे, और तभी आपके पास आएगा. और तभी आपका एक कैच छूटेगा, दूसरा कैच छूटेगा, रन आउट छूटेगा, आपके पास दो रन भाग सब हो जाएगा. सो फॉर दैट इम्पॉर्टेंट इज वॉट? योर फिटनेस, योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस. अवेयरनेस ऑफ आउटफील्ड. 30 yard सर्कल में आउटफील्ड है, अच्छा मैं अच्छा और जोर से जा सकता हूँ. आउटफील्ड पे आउटफील्ड बम्पी है, जोर से जाना है. व्हेन बॉल कम नियर टू यू, स्टेबल टू वॉच द बॉल. लेकिन लंबा इधर नहीं, इधर तो बैठना ही नहीं है. 30 yard में बैठना मीन्स अ क्राइम. नो दिस लॉन्ग बैरियर, नो लॉन्ग बैरियर. दिस इज 30 yard सर्कल फील्डिंग. You have to on your toe, always toe, not got it? Yes, sir.